संतों के सम्मान की संस्कृति है। और आज जो है भारत की जो संस्कृति, जहाँ संतों की ऋषियों की संस्कृति रही है, उसी संस्कृति में आज संस्था संतों के साथ में जो व्यवहार, जो उनके साथ में प्राण घातक कांड किए जा रहे हैं, वह निश्चित तौर पर जो है भारत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी की जानकारी में है कि कर्नाटक में दिगंबर जैन आचार्य काम कुमार जन्नंदी जी महाराज, जिन्हें जो है तड़फा तड़फा करके जो है असामाजिक तत्वों के द्वारा उनकी हत्या की गई। मैं नहीं जान समझता कि स्वतंत्र होने के बाद भारत देश में कभी किसी संत को इतनी निर्दयता पूर्वक किसी की हत्या की गई हो। जब संतों की हत्या होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि राष्ट्र की हत्या की तैयारी हो चुकी है, संविधान के हत्या की तैयारी हो चुकी है। क्योंकि संतों ने हमेशा जो है राजहित के लिए कार्य किया है, देश हित के लिए कार्य किया है। जब देश हित के लिए संपूर्ण जीवन संत कुर्बान करते हैं तो सरकार और भक्तों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह जो है संतों को संरक्षण प्रदान करें और संरक्षण प्रदान करके जो है उनकी रक्षा का संकल्प अपने मन के अंदर उठाएं। आज जो है पुलिस की से ज्यादा जरूरत आम आदमी को जागृत होने की है, क्योंकि संत ना होते धरती पर तो जल जाता संसार, ये सारी दुनिया में कहा जाता है, समझा जाता है। काम कुमार नंदी जी के साथ में जो हुआ है वह निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसमें भी इतनी घटना घटने के बाद भी, इतने देश में हंगामे होने के बावजूद भी अभी केवल दो लोगों को पकड़ा गया है और उनके साथी अभी भी फरार घूम रहे हैं और कर्नाटक सरकार मौन होकर के जो है तमाशा देख रही है। केंद्र सरकार उसके ऊपर कोई हस्ताक्षेप नहीं कर रही है। मैं इस देश का संत होने के नाते आह्वान करूंगा, देश की प्रजातंत्र के देश में, लोकतंत्र के देश में, शाही तंत्र नहीं है, यहाँ प्रजातंत्र है। और इस प्रजातंत्र के तंत्र में चाहे लोकसभा में बैठी हुई सरकार हो, विधानसभा में बैठी हुई सरकार हो, तो उन दोनों सरकारों से मैं आह्वान करूंगा कि अविलंब जो है संत की हत्या करने वालों को पकड़ा जाना चाहिए और उन्हें कठोरतम सजा दी जाना चाहिए। और संपूर्ण भारत वर्ष की जैन समाज का आह्वान करूंगा कि आगामी आने वाले 2023 में जो है जो चुनाव है और 2024 में जो लोकसभा के चुनाव है, उन लोकसभाओं के चुनाव के लिए जो है हमें किसी पार्टी का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। आज संपूर्ण भारत वर्ष में जैन समाज सशक्त है और सबसे संपूर्ण, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा जीडीपी भरने वाला है। तो क्यों ना जैन समाज को जागृत होकर के अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई जाना चाहिए, और राजनीतिक पार्टी बना करके जो है हमें अपनी सी अपने पूरे भारत में जो है अपने जैन समाज के जो है चुनाव पर खड़े किए जाना चाहिए। भले ही भारत देश में जैन समाज के लोगों की संख्या कम हो, लेकिन संख्या कम होने के बावजूद भी हम लोकसभा और विधानसभा की तकदीर और तस्वीर बदलने की ताकत रखते हैं। हम विजयी भले ना हो सके, लेकिन जो है किसी को पराजित करने की ताकत तो हम रखते ही रखते हैं। और ये सारी दुनिया, सारा जगत अच्छी तरीके से जानता है कि जैन समुदाय की ताकत क्या है। आज संतों के ऊपर हत्या का प्रयास किया जाना निश्चित तौर पर मानवता की हत्या है, और ये मानवता की हत्या कभी भी किसी भी तरह से किसी भी संप्रदाय के लिए कभी भी सही नहीं मानी जा सकती है। आज जैन संप्रदाय के संत के साथ सुना गया है, कभी जो है दूसरे संतों के साथ भी इस तरह के दुर्व्यवहार हमेशा मीडिया के माध्यम से देखने और सुनने को मिलते हैं, और फिर भी जो है हम चुप होकर के उसे सुनते हैं। ये निश्चित तौर पर हमारी अंदर के जमीर मर चुका है, और जब आदमी का जमीर मर जाया करता है तो आदमी तो जिंदा रहता है, लेकिन आदमी जिंदा लाश बन करके जीता है। और भारत देश में जिंदा लाशों की जरूरत नहीं है, भारत देश में केवल जिंदा लोगों की जरूरत है। इसलिए मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं इस मीडिया के माध्यम से कि अब अगर हम नहीं अपने आप को संभाले, संतों की संपदा को, संतों के जीवन को अगर हमने श्रृंगारित नहीं किया, उन्हें सुरक्षित नहीं किया और अपने कर्तव्य के निष्ठा बोध नहीं किया, तो वह दिन दूर नहीं होगा कि तुम्हारी माता बहनें भी सुरक्षित होकर के नहीं जी सकेगी। क्योंकि आज अगर देश में अमन शांति बरकरार है तो हम संतों की त्याग तपस्या का प्रतिफल है, और जब हम जैसे त्याग तपस्या का प्रतिफल, जहां हम चींटी मारने को भी पाप समझते हैं,
जहां चींटी रास्ते से निकल जाए तो हम उसे जो है उस रास्ते को बदल लिया करते हैं। ऐसे अहिंसा के पुजारी संतों के साथ भी अगर इस तरह का दुर्व्यवहार है तो निश्चित तौर पर अब भविष्य काला भारत के सामने दिखाई दे रहा है। भले ही नरेंद्र मोदी जी विश्व में चारों तरफ जो है एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी कार्य अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अच्छे कार्य के साथ साथ जो है संतों की सुरक्षा का भी प्रबंध किया जाना चाहिए। और जहां जहां भी जैन स्थल हैं, जैन धर्म के संत हैं या अन्य संप्रदाय के संत हैं, उनके जीवन को असुरक्षित महसूस करते हुए सभी को जो है सुरक्षा प्रदान की जाना चाहिए। उनकी सुरक्षा में जो है सुरक्षा बल तैनात किया जाना चाहिए। नेताओं की सुरक्षा जो 5 साल में चुन करके देश की कुर्सी पर बैठते हैं, उनकी सुरक्षा पर इतना खर्चा किया जाता है, तो आज जिस भूमि की आधारशिला संत हैं, उनके लिए भी सरकार का नैतिक दायित्व और धर्म बनता है जिसे निभाया जाना चाहिए। सिर्फ संतों के सुरक्षा के लिए सरकार को तो आगे आना ही आना चाहिए, सरकार के साथ साथ जो है संपूर्ण भारत की समाजों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने संतों की सुरक्षा के लिए स्वयं अपने आप को तत्पर होकर के खड़े होना चाहिए। और अब हमें मंदिरों की राजनीति छोड़ करके, मठों की राजनीति छोड़ करके, अपने संप्रदायों की राजनीति छोड़ करके, हमें अब देश के प्रति अपने आप को समर्पित होकर के अपने कर्तव्य का निर्वहन किया जाना चाहिए। देश और समाज की तस्वीर बदलने के लिए निजी स्वार्थों का त्याग किया जाना चाहिए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, सेक्रेटरी, प्रधान, संपादक, ये सारी चीजें बात की है, लेकिन हम जिस सर जमीन पर रहते हैं, जिससे भारत की पहचान है, उस पहचान को कायम रखा जाना चाहिए। और भारत की पहचान ऋषि और कृषि से भारत की पहचान है, और जिस ऋषि और कृषि से भारत की पहचान है, उस भारत की अक्षुण पहचान को बनाए रखना हमारा नैतिक दायित्व और धर्म है। इसीलिए अगर आज लोकसभा विधानसभा की सरकार है, अगर आज चैतन्यता नहीं ली, उन्होंने संतों के खिलाफ किए जाने वाले इस कृत्य की निंदा नहीं की, आज तक किसी भी पार्टी का स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ, क्यों? क्या संतों का कोई मूल्य नहीं है? आज जो है जरा सा किसी विदेश में जो है पाकिस्तान की महिला भारत आती है तो उसके लिए जो है संपूर्ण देश का मीडिया, उसके भी इंटरनेशनल मीडिया सारा उसके ऊपर कार्य करने के लिए तैयार हो जाया करता है, उसके ऊपर चुनावी सरजमियां चालू हो जाया करती है, राजनीतिक पार्टियां ट्वीट करना प्रारंभ कर देती हैं। लेकिन आज जैन समाज के संत के साथ में इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं बोल रही? कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात को मालूम है कि भाई जो है जैन लोग क्या कर लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, 4 दिन चिल्लाएंगे फिर शांत हो जाएंगे। ये गलत फहमी निकाल करके रख दे, क्योंकि अब भारतवर्ष का जैन समाज सहने के लिए तैयार नहीं है, अब कहने के लिए तैयार है। और जब वह कहने के लिए तैयार हो जाएगा तो फिर अच्छे अच्छों को जो है उनकी सही स्थिति दिखाई जा सकती है। तो इसलिए मीडिया के माध्यम से मैं यही आह्वान करूंगा कि हमारे भारत देश की जनता को जागना चाहिए और संतों की सुरक्षा में हमें सैनिक बनकर के खड़ा होना चाहिए, और आगामी विधानसभा और लोकसभा में उन्हें ही लोगों को बिठाया जाना चाहिए जो आपराधिक वृत्तियों से लिप्त ना हो। जो नेता आपराधिक वृत्तियों से लिप्त हैं या किसी भी तरह के उनके ऊपर केस चल रहे हैं, ऐसे नेताओं को जो है लोकसभा और विधानसभा में चढ़ने की इजाजत नहीं होना चाहिए, उन्हें टिकट नहीं दिए जाना चाहिए। उन्हीं लोगों को राज्यसभा और लोकसभा में बैठने का अधिकार दिया जाना चाहिए जो मानवता का श्रृंगार करने के लिए तैयार है, मानवता के उत्थान के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमें अब समय आ चुका है कि भारत की प्रजा को जो है, देश की प्रजा को जो है महलों में रहने का स्थान दिया जाना चाहिए, और जो महलों में है उन्हें निकाल करके जो है झोंपड़ी में लाया जाना चाहिए, जिससे उन्हें भी एहसास हो सके कि झोंपड़ी का दर्द क्या होता है। एसी कमरों में रहने वाले, एसी बंगलों में रहने वाले, एसी गाड़ियों में घूमने वाले वह दर्द नहीं समझ सकते हैं, और जब तक वह दर्द नहीं समझेंगे तब तक केवल आश्वासन दिए जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता है। अब आश्वासन का समय नहीं है, हमें जागृत होकर के उन निर्णायक युद्ध की जरूरत है। और आज निर्णायक युद्ध के लिए वैचारिक युद्ध की प्रारंभ किया जा चुका है, क्योंकि हम अहिंसात्मक ताकत से बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि हिंसा हर समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन अहिंसा में जो ताकत है वह ताकत किसी के अंदर नहीं है। हम दिगंबर मुनि भले ही अहिंसा धर्म का प्रतिपालन करने वाले हैं, हम शस्त्र नहीं उठा सकते, हम अस्त्र नहीं उठा सकते, लेकिन हमारे भक्तों को छूट है। क्योंकि आज अगर देखा जाए
कि आज जो है बॉर्डर पर भी जो है हमारे जैन समाज के बहुत सारे लोग आज सेना में भी है, पुलिस प्रशासन में भी है, क्योंकि धर्म इजाजत देता है कि अगर देश के ऊपर, समाज के ऊपर, परिवार के ऊपर, धर्म के ऊपर अगर किसी भी तरह का कोई आक्रमण होता है तो हमें जो है शस्त्र उठाने का भी अधिकार दिया गया है हमारे तीर्थंकरों के द्वारा, हमारे आचार्यों के द्वारा। तो आप जो है केवल माला लेकर के हमारा समाज नहीं बैठेगा, जरूरत पड़ेगी तो हाथ में भाला लेकर के भी तकदीर तैयार है, उसे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रखा है। और मैं समाज का आह्वान करूंगा कि हम माला माला के चक्कर में नहीं, अब हाथों में थामो भाला, जब जिस भाषा में जो समझता है उसे उसी भाषा में समझाया जाना चाहिए। हत्या की प्रमुख वजह क्या रही सज्जन मुनि की? संत तो चींटी को भी नहीं मारते हैं तो हत्या की वजह क्या हो सकती है? किसी को कोई मुद्रा अगर पसंद नहीं आई होगी तो उसने जो है उसे मिटाने की कोशिश की गई हो। स्वार्थ सबके अपने अपने हैं, पर स्वार्थ वसात जो है वह संतों के साथ भी कुछ षड्यंत्र रख सकता है। और ये जो कुछ भी है वजह कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी वजह मीडिया के द्वारा पेश की जा रही है वह निराधार है, उसके ऊपर कोई भी जो है किसी भी तरह का सत्यता नहीं है, वह सिर्फ बनाई हुई कपोल और कल्पित घटना है। जबकि यथार्थता यह है कि वह जो है भारत में जैन समाज की संस्कृति को, हिंदू धर्म की संस्कृति को, वह शंकों की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वह प्रयास किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार से क्या मांग रहेगी आगे? कर्नाटक सरकार से ही नहीं, हमारी तो जो है पूरे भारत की सरकार से जो है, हर स्टेट की सरकार से मांग है, लोकसभा में बैठे हुए उन लोगों से भी मांग है, केंद्र सरकार से भी, कि जिन जिन राज्यों में भी जहां जहां भी साधु संत है, जहां जहां भी जन आयतन है, जहां जहां भी धार्मिक स्थान है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। और आगे ऐसा कोई कार्य ना हो इसलिए जिन लोगों ने ये किया है उन्हें ऐसा कठोर दंड दिया जाना चाहिए कि अगली बार संत के ऊपर उंगली उठाने में भी आदमी को हजार बार सोचना पड़े। क्या क्या